अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो बच्चों? बच्चों आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट ले रहा हूं मैं, जिसको हम कहते हैं, जो आप बहुत दिन से डिमांड कर रहे थे, लेटर राइटिंग। बच्चों लेटर राइटिंग आपने लिखा भी होगा, तैयार भी किए होंगे लेटर बहुत सारे, लेकिन आज जो हम इस लेटर के अंदर क्या खास करने वाले हैं, हम इस लेटर के अंदर खासतौर से ये देखने वाले हैं कि लेटर को ईजी मेथड से कैसे लिखते हैं। बच्चों आपने देखा ही होगा कि हमने जितने भी ग्रामर के टॉपिक हमने देखे, बहुत ईजी मेथड से हमने उसको हल कर दिए, सॉल्व कर दिए। आज मैं आपको ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जिससे कि आप आसानी से कोई भी लेटर आने तो आप उसे हल कर सकते हैं। मतलब लेटर कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक कौन सा है बच्चे? फॉर्मल लेटर। दूसरा कौन सा है? इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर जो होता है, हम अ लेटर विच वी राइट इन ऑफिसेस, ऑफिस में एडिटर को, मैनेजर को, इस तरह से लोगों को लिखते हैं। और जो इनफॉर्मल होता है, वी राइट टू अवर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, हमारे रिश्तेदारों को, दोस्तों को जो हम लेटर्स लिखते हैं वो इनफॉर्मल लेटर्स होता है। लेकिन आज जो हम बात करने जा रहे हैं फॉर्मल लेटर्स की। बच्चों तुमको पता है कि बहुत सारे लोग इंटरव्यू देते हैं और उनको कॉल ही नहीं आता। जैसे इंटरव्यू के लिए एप्लीकेशन लिखते हैं और भेजते हैं, कॉल नहीं आता। क्यों? क्योंकि इतनी गड़बड़ी कर देते हैं लेटर, वो एप्लीकेशन लिखने में, कि कंपनी वाले क्लियर बोल देते हैं कि भाई शायद इसकी इंग्लिश में फ्लुएंसी नहीं है और इसको बिल्कुल हटा देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम आज वो देखने जा रहे हैं कि भाई लेटर कैसा लिखते हैं, ये बात दिमाग में रखो अच्छे से। और कुछ इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका एक हौसला बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा और आप आगे अच्छे से लेटर खुद से लिख सकेंगे। क्योंकि हमको बड़ा बुरा लगता है बच्चों कि कोई हमारे पास आता है और बोलता है कि भाई लेटर लिख कर दो सर, हमको जॉब के लिए जाना है, जॉब को जा रहे हो लेटर नहीं लिख पा रहे हो, तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए आज ये लेटर बना रहा हूँ। इसके अंदर कुछ कंप्लेन लेटर्स भी रहेंगे, कुछ जॉब लेटर्स भी रहेंगे, और ये सब चीज़ें आपने अच्छे से पढ़ लेना है। समझ में आ रहा बच्चों? क्योंकि कहते हैं कि लेटर राइटिंग भी एक आर्ट है, हर एजुकेटेड आदमी को लेटर लिखने आना चाहिए। तो मैं भी आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप भी इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और लेटर राइटिंग लिखेंगे। इसके मैं दो पार्ट बना रहा हूं। पहला मैं आपको इस पार्ट में फॉर्मेट समझाऊंगा, सेकंड पार्ट में आपको लेटर्स दूंगा, कंप्लेन लेटर एक ही बताऊंगा, उसको कैसे चेंज करते हैं बता दूंगा। जॉब लेटर एक ही दूंगा, उसको थोड़ा सा ट्रिक्स यूज करते हुए कैसे चेंज करना है। आज अगर आप ये देख लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और एग्जाम में आप अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आप ये लेटर लिख सकेंगे। तो है तैयार बच्चों? कम ऑन, लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों ये पार्ट वन जो हम देखने जा रहे हैं, इसमें हम देखने वाले बच्चों फॉर्मेट ऑफ अ लेटर। फॉर्मेट ऑफ अ लेटर यानी लेटर का नमूना, जो कि हम बता रहा हूं मैं फॉर्मल लेटर का जिक्र कर रहा हूं मैं, ऑफिशियल लेटर का। क्योंकि हम अक्सर एग्जाम में क्या करते हैं, फैमिली लेटर ज्यादा यूज करते हैं। बच्चों प्रॉब्लम ये है, फैमिली लेटर हम इजी है समझ के लिख देते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि फॉर्मल लेटर, ऑफिशियल लेटर उससे ज्यादा आसान है। लेकिन आज हम फॉर्मल लेटर देखेंगे, फिर उसके बाद फैमिली लेटर भी बताऊंगा। ऐसा आमतौर पर अगर देखें तो फैमिली लेटर का चलन बहुत कम हो गया, क्योंकि आज हम SMS ये सब मोबाइल यूज कर रहे हैं, लेकिन फॉर्मल लेटर बहुत ज्यादा हम लिखते हैं। जैसा शिकायत करते हैं, कचरा बहुत हो गया, पानी लीक हो रहा, ऐसे कंप्लेन हम करते हैं, या किसी पेपर में एडिटर को हम लिखते हैं कि भाई हमारे प्रॉब्लम ऐसा, हम हमारे महल्ले वाले फेस कर रहे हैं, आप जरा अखबार में छाप कर ऑफिसर्स की तवज्जो उस पर दिलाओ, ये बातें हम लिखते हैं। तो यहाँ पर भी आज हम उसका पहले नमूना देख लेंगे। बच्चों पुराने फॉर्मेट से नया फॉर्मेट अब चेंज हो गया है, समझ में ये बात? तो वो फॉर्मेट आज हमको देखना है, वो फॉर्मेट अच्छे से आप दिमाग में बिठा लेना और इस टाइप के लेटर्स आपने लिखना। ठीक है, तो सबसे पहले ऑफिशियल लेटर का जिक्र हो रहा है, पहले हम टॉपिक देखेंगे सेंडर्स एड्रेस लिखने का। सेंडर्स एड्रेस क्या होता है? सेंडर्स एड्रेस यानी, जैसा सपोज आई एम राइटिंग दिस लेटर, मैं खत लिख रहा हूं, तो मैं क्या बन गया? सेंडर बन गया। तो सेंडर्स एड्रेस यानी भेजने वाले का पता। अगर लेटर मैं भेज रहा हूं तो मेरा पता यहां पर आ जाएगा, सेंडर्स एड्रेस सबसे पहले रहेगा। ठीक है, सेंडर्स एड्रेस होते ही हम डेट लिखेंगे। मैं आपको बताऊंगा सेंडर्स एड्रेस कैसे लिखना है और डेट भी कैसे लिखना है, अमेरिकन स्टाइल में या ब्रिटिश वे में। तो डेट उसके नीचे आना, फिर इसके बाद आ जाएगा बच्चों रिसीवर्स एड्रेस। तो फर्स्ट कीजिए, मैं किसी बैंक वाले को लेटर लिख रहा हूँ, बैंक में खत लिख रहा हूँ, तो बैंक का मैनेजर का पता, मैनेजर और उसका डेसिग्नेशन आ जाएगा, कौन से बैंक के मैनेजर है, कौन से शहर के, दो तीन लाइन के अंदर आप उसका एड्रेस लिखकर खत्म कर देना। ठीक है, इसके बाद आएगा बच्चों सैल्यूटेशन। याद रखना हम क्या कर रहे हैं बच्चों, कभी भी पुराने फॉर्मेट में हम क्या करते थे, पहले सब्जेक्ट लिखते थे, एप्लीकेशन फॉर इस तरह, उसके बाद डियर सर लिखते थे। थोड़ा सा स्लाइड चेंज हो गया, अब ये सैल्यूटेशन ऊपर आ गया,
और नीचे सब्जेक्ट आ गया। बच्चों सैल्यूटेशन यानी जैसे डियर सर ये हम लिखते हैं, तो डियर सर इस तरह की जो चीजें आती है सैल्यूटेशन में आती है, मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ अभी। इसके बाद हम लेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बच्चों 5-6 वर्ड्स में आ जाना, सब्जेक्ट 5-6 वर्ड में पूरा लेटर का खुलासा आ जाना कि आप लेटर में क्या लिखने वाले हैं। ओके, अब इसके बाद आ जाएगा बच्चों बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर यानी लेटर के हिसाब से जो पॉइंट्स लिखना है आपको, जैसे कि कंप्लेंट लेटर है तो कंप्लेंट लेटर कैसे लिखते हैं, जॉब लेटर है तो जॉब लेटर कैसे लिखते हैं, उसके पॉइंट्स हम बॉडी ऑफ द लेटर में लिखते हैं। ये बॉडी ऑफ द लेटर बच्चों 1 से 2 या 3 ज्यादा 3 पैराग्राफ लिखना। और याद रखना कि आप जब पैराग्राफ लिखेंगे तो आपने बिल्कुल सिंपल इंग्लिश यूज करना, ज्यादा हार्ड मुश्किल इंग्लिश कभी यूज नहीं करना, बिल्कुल अपनी बात को सिंपल इंग्लिश में समझाने की कोशिश करो। इसके बाद बच्चों आ जाता है लेटर एंड कर देने के बाद थैंकिंग यू लिखते हैं हम। थैंकिंग यू यानी कि शुक्रिया अदा करना है, और नीचे योर्स फेथफुली या फिर हम लिखेंगे सिंसियरली। बच्चों फेथफुली लिखो या सिंसियरली लिखो बोलते हैं, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ कि फेथफुली कहाँ लेते हैं और सिंसियरली कहाँ लेते हैं, इसका भी एक स्टाइल है, तो वो आपको हम फॉर्मेट में बताने वाला हूँ। नीचे आप साइन कर देंगे और आपका अगर नाम है तो उसका नाम भी आप लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से इतनी चीज़ें हमको इस फॉर्मेट में यूज़ करने हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे यूज़ करते हैं। ओके, आइए हम देखते हैं बच्चों फॉर्मेट ऑफ ए लेटर कैसा लिखा जाता है। बच्चों पुराना लेटर आपको पता था कैसे लिखते थे, पेज के फर्स्ट कर लो ये पूरा एक पेज है और ये पेज का मार्जिन है, हाशिया है। अब पेज के राइट साइड में हम सेंडर सेटर्स लिखते, हमको बताया गया था भेजने वाले का पता यहाँ लिखते थे। न्यू फॉर्मेट में अब हमको क्या करना है बच्चों, सेंडर्स एड्रेस यहाँ लिखना है, ठीक है। जैसे मान लो सेंडर्स एड्रेस को इस साइड में जब लिखते हैं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 124, जैसे 124/49 आदर्श नगर, और डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ बच्चों पुणे। आपको पिन कोड याद है तो पिन कोड लिखो, नहीं याद है तो छोड़ दीजिए। तो इस तरह से ये एड्रेस हो गया मेरा। एड्रेस के बाद क्या आना चाहिए, डेट। आपने एक लाइन छोड़ देना और यहाँ पे डेट लिखना। बच्चों डेट लिखने के 2 तरीके हैं, जैसे कि यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, आप चाहें तो डेट बोल के भी लिख सकते हैं और नहीं भी चाहें तो कुछ नहीं। जैसा आज की डेट अगर मैं लिख रहा हूँ 6 अक्टूबर 2020, ठीक है। लेकिन बच्चों ये स्टाइल जो है ये ब्रिटिश वे स्टाइल है। अगर हमने आपसे कहा कि इसको अमेरिकन स्टाइल में यूज करो, कह मैं अमेरिकन स्टाइल में, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे अक्टूबर 6, 2020। अब बच्चों याद करना, अब मैंने इस एड्रेस के अंदर क्या गलती किया, मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे हम क्या करते थे, यहाँ कॉमा देते थे, यहाँ फुल स्टॉप देते थे। अब याद रखना आपने, ये अमेरिकन स्टाइल में इस तरह के ये न्यू फॉर्मेट के अंदर कहीं पे कॉमा फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, कहीं पर भी कॉमा फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं। अब आ जाओ बच्चों डेट पर। डेट में 6 अक्टूबर 2020, बताओ कहाँ पे कॉमा लिया मैंने, कहीं पर भी नहीं लिया। लेकिन यहाँ क्या होता है, अगर ये ब्रिटिश वे में ले रहे हैं तो चल जाएगा, अमेरिकन स्टाइल में अगर आप लिखना चाह रहे हैं जैसे अक्टूबर 6, 2020, तो ये 2 डिजिट जो हैं ये आपस में मिल नहीं जाना, इसलिए इसके बीच में कॉमा लगाना। ये कौन सी स्टाइल है, अमेरिकन स्टाइल। तो 2 तरीके हैं डेट लिखने के, अगर ऐसे लिखते हैं तो यहाँ कॉमा दो, नहीं ऐसे लिखते हैं तो कॉमा की या फुल स्टॉप की ज़रूरत नहीं होती। बात समझ आएगी बच्चों। तो चलिए ये डेट हो गया हमारा। डेट के बाद अब हम कौन से जाएंगे बच्चों, रिसीवर्स एड्रेस में आएंगे। रिसीवर एड्रेस यानी जिसको हम खत भेज रहे हैं, जो खत हासिल कर रहा है उसको हम बताएंगे रिसीवर्स एड्रेस। बताओ अगर फर्ज करो मैं कोई भी एक बैंक मैनेजर को लिख देता हूँ, तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करूँगा, एक लाइन छोड़ देंगे इसी के नीचे, याद रखना कहीं स्पेस देना नहीं है, सीधा मार्जिन के पास ही सब लिखना है, द मैनेजर, ठीक है, कॉमा नहीं दिया। इसके बाद लिखे बच्चों SBI बैंक, कहाँ का बैंक है, पुणे, ठीक है। तो इस तरह से हम कहीं पर भी कॉमा फुल स्टॉप दे देंगे, डायरेक्ट हम इसको लिख देंगे। अब आ जाते हैं बच्चों रिसीवर्स एड्रेस के बाद सैल्यूटेशन पे आते हैं। सैल्यूटेशन हम क्या लिखते हैं बच्चों, एक लाइन छोड़ देंगे, इसके बाद मैं लिखूंगा एक लाइन छोड़कर, डियर सर, या फिर हम लिखेंगे मैडम,
अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है बच्चों, याद रखो कि डियर सर या मैडम अगर अपने को पता है, अगर कोई जेंट्स है वहां पे तो सर लिख दे रहे और कोई लेडीज है तो मैडम लिखेंगे, लेकिन मसला यहाँ पर कैसा है, आपको मालूम ही नहीं कि वो सर है कि मैडम है, तो मैडम लिखूं कि सर लिखूं, तो क्लियर उसका आइडिया इतना ध्यान में रखना कि वैसी सूरत में आप सीधे सर लिख देना, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों हम क्योंकि फॉर्मल लेटर का जिक्र कर रहे हैं तो बहुत सारे क्या लिख देते हैं, रिस्पेक्टेड सर या मैडम लिखते हैं। आपको फॉर्मल लेटर में इस तरह के रिस्पेक्टेड लिखने की जरूरत नहीं है, आप नहीं लिखना, आप डायरेक्ट सीधा क्या लिखना, डियर सर या मैडम। कभी कभी क्या होता है बच्चों, ये डियर इनफॉर्मल लिखता है, यानी कि फैमिली लेटर के लिए डियर यूज करना चाहिए शायद, ऐसा सोचते हैं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, आप सीधे क्या ले लेंगे, डियर सर बोल के लिख देंगे या डियर मैडम लिख देंगे, या आपको मैडम का शॉर्ट फॉर्म लेना है तो आप लेंगे मैम, पासवर्ड में आ गए। तो बच्चों ये हम कॉमा क्या ले लिया यहाँ पे, सैल्यूटेशन ले लिए। आपको रिस्पेक्टेड लेना है क्या, नहीं, सीधे क्या ले लेंगे आप, डियर ले लेंगे। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लेटर लिख सकते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। थोड़ा सा पूरा वीडियो आप देखिए, दोनों पार्ट देखिए, ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट भी आपको बताऊंगा। सैल्यूटेशन हो गया, इसके बाद क्या आएगा बच्चों, सब्जेक्ट। इसी लाइन में सब्जेक्ट लिखना है, मैंने आपको कहा सब्जेक्ट कितने वर्ड में होना, 6 से 8 वर्ड में आपका सब्जेक्ट खत्म हो जाना। जैसे अगर फर्ज कीजिए रोड खराब है, आप कंप्लेन कर रहे हैं या आप बता रहे हैं कि आपको अकाउंट खोलना है, तो यहाँ पर 6 से 8 वर्ड में आपने मैनेजर को बोलना कि मुझे अकाउंट खोलना है। सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लिखते हैं सभी, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा बच्चों, बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर बच्चों ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं, आपको पूरा जितना मैटर दिया हुआ है 2-3 पैराग्राफ में इसको ख़त्म करना है, सादे सादे वर्ड यूज करके लिखना है, सिंपल इंग्लिश यूज करो। बार बार बोल रहा हूँ, ज़्यादा हाईफाई लैंग्वेज में जाएंगे या लेटर को ज़्यादा बड़ा करेंगे तो बहुत सारे ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाएंगे और मार्क्स कट जाएंगे अपने, ठीक है। तो आपने सिंपल सिंपल लैंग्वेज में लिखना है। अब बॉडी ऑफ द लेटर लिखते वक्त कौन सी चीज़ का याद रखना है बच्चों, खासतौर से याद रखना कॉन्ट्रैक्शन, आपने अवॉइड करना, कॉन्ट्रैक्शन नहीं लेना। जैसे कॉन्ट्रैक्शन में लिखता हूँ कांट, जैसे आप लिखते हैं डोंट, ठीक है, या हैजंट, जो भी है, इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं ये कॉन्ट्रैक्शन इसमें यूज नहीं करेंगे, ये अच्छे से ध्यान में रख लेना आपने। बात समझ में आ गई, चलिए अब इसके बाद बच्चों कहने आ गए थैंकिंग यू मैन। तो लेटर जब खत्म हो जाता है, लेटर जब खत्म हो जाएगा तो आपने नीचे यहाँ पे लिख देना पूरा बॉडी ऑफ द लेटर लिखकर। सपोज यू आर राइटिंग बॉडी ऑफ अ लेटर, आपको यही मार्जिन के पास आपने क्या लेना है बच्चों, सीधे लिख देना थैंकिंग यू। ये लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन में याद रखो बच्चों, पेज के हम किस साइड पे आ रहे, लेफ्ट साइड से ही लिख रहे हैं, तो ये भी मार्जिन ही है समझ के चलिए, इस मार्जिन के करीब में हमने लिखा थैंकिंग यू, ठीक है। इसके बाद हम आ जाएंगे बच्चों यूवर्स फेथफुली या सिंसियरली, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यूवर्स, फेथफुली। अब हमसे गड़बड़ी क्या होती है बच्चों, हमने बहुत बार ऐसा सीखा है कि इसके ऊपर कॉमा अपोस्ट्रॉफी देना है, यूवर्स के ऊपर अपोस्ट्रॉफी देना है, अपोस्ट्रॉफी देंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे मान लो अगर आप यू लिख रहे हैं, अपोस्ट्रॉफी दे रहे हैं, अपोस्ट्रॉफी दिए कि आप करो, ठीक है, तो ये अपोस्ट्रॉफी नहीं देना, आपने फेथफुली का एफ स्मॉल लेना और यहाँ तक लिख देना फेथफुली लिखने के बाद, या फिर आप क्या लिख सकते हैं सिंसियरली। बच्चों इन दोनों में डिफरेंस क्या है बोलो मुझे, फेथफुली और सिंसियरली में थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंस है, हम तो कहते हैं कि भाई दोनों एक साथ यूज कर, ये लो या सिंसियरली लो एक ही बात है, आपने याद रखना। या बच्चों साइन, साइन में हम क्या करना, साइन के अंदर आप यहाँ पे फर्स्ट कीजिए, यहाँ पे आप यूर्स फेथफुली लिखकर ये साइन कर दिए, और नीचे आपने जो भी यहाँ पे नाम लिखना है लिख देना, जो भी कैंडिडेट का नाम है यहाँ लिखकर इसको खत्म कर देना, ठीक है। तो ये इस तरह से हम क्या बनाते हैं बच्चों, फॉर्मेट ऑफ ए लेटर। इसकी तफसील सेकंड पार्ट में मैं और आपको बताने वाला हूँ, शॉर्ट में आपको बता दिया कि भी सबसे पहले क्या ले लेते हैं, सेंटर से एड्रेस, उसके बाद क्या लेते हैं, डेट लेते हैं, एक लाइन छोड़ देंगे, रिसीवर से एड्रेस ले लेंगे इस तरह से, कॉमा फुल स्टॉप को हम इसमें नहीं लगाते, पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं करते, न्यू पैटर्न में याद रखना। इसके बाद फिर बच्चों हम क्या ले लिए, एड्रेस के बाद सैल्यूटेशन लिए, मैंने आपका डियर लेना, रिस्पेक्टेड मतलब। इसके बाद हम क्या लेंगे बच्चों, सैल्यूटेशन के बाद हम लेंगे सब्जेक्ट,
लेटर के 6-7 वर्ड भी ही अपने को समझ में आना कि लेटर क्या है। इसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर 2-3 पैराग्राफ में बॉडी ऑफ द लेटर लिखेंगे, फिर इसके बाद लेंगे थैंकिंग यू और यूअर्स फेथफुली, ठीक है। इसके बाद आप ले लेंगे साइन, वो कर देंगे। तो ये होगा बच्चों हमारा लेटर का फॉर्मेट, किसका? फॉर्मल लेटर का। जॉब लेटर थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मेट आता है, वो भी आपको बताऊंगा। फिलहाल ये जो हम देख रहे हैं कंप्लेंट लेटर है, जो हर एक को आना चाहिए, हर एक ने लिखना चाहिए। समझ में आ रहा? तो बच्चों आपको अगर ये ऐसा लगता है कि हाँ मुझे लेटर लिखने आना चाहिए, सबसे बड़ी मुश्किल की बात यह है कि जब कोई अगर जैसा फर्ज कीजिए आपने 12th पास किए, ग्रेजुएशन कर लिए, और आपको अगर कोई आकर कहा कि भाई लेटर ज़रा लिख कर दे दो, तो हम लिख नहीं पाते क्योंकि हमको लिखने नहीं आ रहा। तो ये अगर आप पढ़ लेंगे, अच्छे से देख लेंगे मेरा ये वीडियो, तो आप लोगों को अच्छे से आइडिया आ जाएगा कि लेटर लिखा कैसा जाता है, ठीक है। तो बच्चों ये पार्ट फर्स्ट, इसके यहाँ पर मैं इसको रोक रहा हूँ। पार्ट सेकंड में आपको लेटर्स बताऊंगा कि कैसे लिखते हैं, ठीक है। चलो सेकंड पार्ट के लिए तैयार रहना आपने। लेकिन बच्चों जो अभी अभी मेरे चैनल में आए हैं, उनको कैसे पता चले ना कि भाई मैंने नया वीडियो अपलोड किया? तो इसलिए आपको सिर्फ क्या करना है, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को बजाना है, ताकि आपको मेरा जैसी अगला वीडियो इस लेटर का आ जाए आपको नोटिफिकेशन मिले। समझ में आ रहा बच्चों? आप लोग इतना काम जरूर करें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन बनाएं, ये आपके लिए ज़रूरी है और ये सभी के लिए ज़रूरी है। वरना बहुत अफसोस होगा बच्चों अगर कोई आपको ये सोचकर आपके पास कोई चीज़ आ रहा लेकर कि भाई आप पढ़े लिखे हैं, आप लेटर लिख देंगे और आप लिख ही नहीं पा रहे, तो वो अनपढ़ आदमी और आप में क्या फ़र्क रहा, ठीक है। तो ये फ़र्क को निकालना है, एक आर्ट है, इसको सीखना है, ये समझ के चलना है, ठीक है। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट पार्ट में लेटर, हाउ टू राइट लेटर्स हम लिखेंगे, ओके, ठीक है।